नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक खबर निकल के आ रही है। चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल दोनों ही इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ये कह रही है कि दोनों एक ही तो हैं, दोनों सिर्फ बिहार घूमने के लिए आते हैं, बिहार में टूर करने के लिए आते हैं। चिराग पासवान ने पिछले दिनों आशीर्वाद यात्रा निकाली है, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी राघोपुर क्षेत्र का भ्रमण किया है। जहां जहां पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं उन सभी जगहों पर जाकर कटाव का निरीक्षण किया है। लेकिन फिर खबर यह निकल के आ रही है कि तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं और चिराग पासवान भी कल देर शाम को दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ऐसे में एक तस्वीर पहले सामने निकल के आ रही है। श्याम रजक जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कल देर शाम को मुलाकात की है चिराग पासवान से। कुछ तस्वीरें निकल के आई हैं, इसके बाद सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जहां जेडीयू के लोग पूछ रहे हैं कि कहां हैं बिहार के दोनों युवराज, बिहार उन्हें खोज रहा है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने बखूबी जवाब भी दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता अजय यादव ने कहा है कि इनके पेट में दर्द क्यों लगता है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का नाम सुनने के साथ। सुना है कि बिहार के दोनों युवराज वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। पॉलिटिकल सैर सपाटे पर आए थे, प्रवास पर बिहार आते रहते हैं, इसीलिए तो हम लोग इनको पॉलिटिकल टूरिस्ट भी कहते हैं। एक ने पश्चाताप यात्रा के बजाय आशीर्वाद यात्रा निकाली और दूसरे महाशय के क्षेत्र की जनता के द्वारा लापता विधायक के पोस्टर्स लगने के बाद वो क्षेत्र आकर नाव पर ही सैर सपाटा कर लेते हैं और भ्रम की स्थिति फैलाने वाली बयानबाजी करते हैं, एक से एक अनर्गल प्रलाप करते हैं। खैर, दिल्ली में तो इनकी मुलाकातों और पार्टियों का दौर चलता ही होगा, भले ये बिहार में कह ले कि हम अलग अलग ही क्यों ना है। एक कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं और दूसरे के अंदर भावी मुख्यमंत्री बनने का सपना पल रहा है। खैर, बिहार की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि दोनों युवराज के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है और यही कारण है कि बिहार की जनता ने इन दोनों को अपना आशीर्वाद कभी नहीं दिया है और आगे भी नहीं देगी। जब जब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के भविष्य की चिंता करते हैं तब तक पेट में दर्द उठ जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के, पेट में दर्द उठता है ललन सिंह के, पेट में दर्द उठता है आरसीपी सिन्हा कुशवाहा जी के। अरे कब तक आप बिहार पे कूटनीति करते रहेगी? बिहार के भविष्य को संभालिए। बिहार का भविष्य कोई है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। अगर वो बिहार का दौरा करते हैं, युवा नेता चिराग पासवान बिहार का दौरा करते हैं तो बेचैन ये लोग हो जाते हैं। अरे तेजस्वी यादव तो बिहार के भविष्य है, अपने क्षेत्र में घूमते हैं, बिहार की चिंता करते हैं और जब बिहार के भविष्य की चर्चा करने के लिए ये दिल्ली जाते हैं, चिराग पासवान जी से बातें करते हैं तो ये कोमा में पहुंच जाते हैं जदयू के ये नेता। अरे कूटनीति छोड़िए, जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के भविष्य की रणनीति करते हैं, बिहार की चरमराती स्वास्थ्य विभाग की चर्चा करते हैं, शिक्षा की चिंता करते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं, आप कूटनीति छोड़े जेडीयू वाले और बिहार के भविष्य के बारे में तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे सोचे उनके पद चिन्ह पे चले, आपके पेट का दर्द अपने आप समाप्त हो जाएगा। तेजस्वी जी के विचारों को फॉलो करना सीखें आप लोग जेडीयू वाले। तो आपने सुना जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने एक तरफ जहां पूछा है कि दोनों ही कहां हैं, दोनों ही का मतलब बिहार के जो दो युवा नेता हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, दोनों को टूरिस्ट बता रहे हैं, ये इल्ज़ाम पहले भी लगते आए हैं। लेकिन अब जब बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान आने वाले समय में आ सकते हैं, लेकिन ऐसे में आरजेडी की ओर से भी बखूबी जवाब मिला है। अजय यादव ने जवाब क्या कुछ दिया है आपने सुना है इस वीडियो में। देखने वाली बात यह है कि क्या दिल्ली में जब इस वक्त चिराग पासवान और तेजस्वी यादव मुलाकात हैं तो गुपचुप तरीके से इनकी मुलाकात हो सकती है? कई बार फ़ोन पर बात होती है, ये बातें तो सार्वजनिक हैं, लेकिन क्या मुलाकात होगी और बात आगे बढ़ेगी? क्या चिराग पासवान और बीजेपी के हनुमान नहीं रह जाएंगे, नरेंद्र मोदी के हनुमान नहीं रहेंगे, क्योंकि पशुपति पारस जो कि उनके चाचा हैं केंद्र में मंत्री बनाए जा चुके हैं? बहरहाल सवाल कई खड़े हो रहे हैं, देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने उभर कर आती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।